लगातार जारी है। दिल्ली लौटे प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय हाईकमान के सामने नए सियासी समीकरण को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री के दौड़ में है करीब आधे दर्जन नेता, हाईकमान विधायक दल की बैठक बुलाने पर होगा फैसला। तो ये बड़ी खबर, हाईकमान के सामने नए सियासी समीकरण को लेकर यहाँ पर तमाम बातें रखी जाएंगी। और आपको बता दें कि लगातार जद्दोजहद जारी है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पर मशविरा लगातार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली लौट चुके हैं प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय। तो आपको बताया देखिए, हाईकमान के सामने नए सियासी समीकरण को लेकर यहां पर बात रखी जाएगी। तो दिल्ली लौट चुके हैं प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय और यहाँ पर हाईकमान से उनकी मुलाकात होगी और क्या कुछ रहा है फीडबैक भी वो देते हुए नजर आएंगे। हाईकमान के सामने नए सियासी समीकरण को यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के दौड़ में है करीब आधा दर्जन नेता और ऐसे में सियासी समीकरण भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रोहित हमारे साथ लगातार सहयोगी बने हुए। रोहित, कैलाश विजयवर्गीय आप दिल्ली आ चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने वापस सियासी समीकरण को समझने की कोशिश की, अब कहीं ना कहीं आला अधिकारी के साथ एक मीटिंग भी तय होनी है। तो देखिए, जो प्रदेश चुनाव प्रभारी रहे हैं प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर प्लान बी के लिए भेजा गया था उत्तराखंड में। फिलहाल जो प्लान बी की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन अब दो तिहाई बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो ऐसे में अब समीकरण समझना दोनों लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। दोनों ही नेता उत्तराखंड में मौजूद रहे और यहाँ के पूरे समीकरणों को उन्होंने समझा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। तो इसको लेकर के भी समीकरण काफी अहम माने जाते हैं, क्योंकि प्रदेश में जो, जैसे कि हम लोग को पहले भी बताया कि यहाँ पर दो बिंदु सबसे खास रहते हैं, जाति और क्षेत्रीय समीकरण विशेष ध्यान देना होता है। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी दोनों ही उत्तराखंड दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो ऐसे में दोनों नेता वहां जाकर के अपना फीडबैक देंगे, जहां तक सियासी समीकरण है उस चीज पर अपना राय मशवरा रखेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे आलाकमान से कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, इस सब चीजों पर चर्चाएं होंगी। क्योंकि दोनों समीकरण को फिट बिठाना बहुत ही जरूरी होता है, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण, क्योंकि काफी अहम होते हैं। हालांकि अभी शुरू से देखें तो राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण पर विशेष ध्यान देती रही है, क्योंकि उन्हें कुमाऊं भी देखना है, गढ़वाल भी देखना, खासकर जातीय ब्राह्मण और ठाकुर भी देखना होता है। तो इन समीकरणों, दोनों समीकरणों को बिठाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि इससे पहले भी जब मदन कौशिक को बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, उस दौरान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत